कुछ बच्चियां हैं जिनको पीरियड से पहले डिस्चार्ज होता है जैसे चार पांच दिन पहले हो गया वहां पे क्या होता है किसी को जैसे दूध की तरह डिस्चार्ज हो रहा है बिल्कुल वाटरी किसी को जैसे दही फट जाता है ना वैसा डिस्चार्ज है पर पीले रंग में हो गया किसी को ऐसा लगता है जैसे ग्लू होती है ना बिल्कुल स्टिक पूरे बॉल्स बन के निकल रही है और फिर क्या ये पूरा हिस्सा ना ऊपर से भी पूरा ये ब्लैक होने लग जाता है इतनी इतनी आंखें मतलब आप फिंगर डालो तो धसी होती है

सेक्शुअल पिल्स कॉन्ट्रासेप्टल पिल्स का एक्सेसिव इंटेक करना प्रेगनेंसी में भी कॉम्प्लिकेशन कर दिया क्योंकि जब आप फिजिकली इंटीमेट होते हो आपके पार्टनर को इन्फेक्शन होने के उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं सबसे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसके तो मैंसुर कप बिल्कुल यूज़ नहीं करना है वेजाइना के अंदर सिकाई करो कम से कम पाँच मिनट जितना अंदर तक आप इंसर्ट कर सकते हो हैंड को और सबसे बेस्ट यहाँ पर मैं आपको दो रेमिडीज बताऊँगी आप ट्राई करो परमानेंट आप क्योर कर सकते हो नमस्कार दोस्तों मैं हूं हिमांशु भट्ट दी हेल्थ शो में आज हम डॉक्टर उपासना वोहरा जी से जानेंगे वाइट डिस्चार्ज या लिकोरिया के बारे में कि क्यों होता है वाइट डिस्चार्ज क्या सही में वाइट डिस्चार्ज होना कोई सीरियस बीमारी का सिम्टम है और आपकी लाइफ में ऐसी क्या गलतियां हैं या किस वजह से वाइट डिस्चार्ज आपको इतना ज्यादा हो रहा है और कब वाइट डिस्चार्ज को आप एक सीरियस कंडीशन समझिए और कैसे घर पर आप वाइट डिस्चार्ज को ठीक कर सकते हैं और आयुर्वेद में वाइट डिस्चार्ज का प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या है वो सब आज डिटेल में सॉल्यूशन के साथ जानेंगे तो मैम आपको मेरा प्रणाम और स्वागत है नमस्ते थैंक यू सो मच वाइट डिस्चार्ज सफेद पानी लिकोरिया एक ऐसी प्रॉब्लम जिसमें आज हमारे देश में महिला को यही नहीं पता कि ये प्रॉब्लम है पहली बात ठीक है सालों निकल जाते हैं उनको समझ आता है अच्छा ये बीमारी है क्योंकि कई जगह तो उनके घर में दादियाँ बिल्कुल बुजुर्ग हो गई hmm. और वो बच्चे जब उनसे डिस्कस करते हैं तो वो कहते हैं कि बेटा ये तो बीमारी नहीं है तो ऐसे ही होता है hmm. तो कहने का मतलब लैक ऑफ अवेयरनेस बहुत ज्यादा है और दूसरा डिस्कस डिस्कस नहीं नहीं कर पाते डिस्कस नहीं। और तीसरी बात मतलब ये इतनी भयंकर बीमारी है कि आपकी जिंदगी खत्म कर देती है ठीक hmm. है तो बिल्कुल टू द पॉइंट बात करते हैं ठीक है मैं रेमेडीज बताऊंगी जो बहुत अच्छा काम करेंगी सबसे पहले सफेद पानी के कारण क्या है ठीक है अनहाइजीन कंडीशन ठीक है पीरियड्स में कपड़े का इस्तेमाल करना ठीक है अपने वेयर को टाइमली मतलब चेंज uh, नहीं करना टाइमली चेंज इन देंस कि जैसे तीन चार महीने यूज़ लिया लोग दो दो साल सेम पेंट यूज़ करते हैं और उसी में इन्फेक्शन और ज़्यादा होता बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ईस्ट इन्फेक्शन है कैंडिड है, है फंगल भी कई बार वहाँ पर डेवलप होता है पर पहले एक बात करते हैं इस पर जैसे कारण कुछ भी हुआ उसके बाद क्या हुआ कि हम गए किसी के पास उसने बोला ये पाँच दिन गोली खा लो एंटीफंगल खाया खत्म हो गया कोई भी इट्रोकैनाजोल कीटोकेनाजोल मतलब देर आर वेरियस काइंड ऑफ मेडिसिन मैं क्यों नाम लूँ सबको पता है एंटीबायोटिक खाया खत्म पाँच दिन खाया ठीक हुआ एक महीना ठीक रहा फिर पाँच दिन खाया खाते खाते सालों निकल जाते हैं तो लोगों को लगता है इसका परमानेंट इलाज नहीं है परमानेंट आप क्योर कर सकते हो मतलब मैं देखती हूँ कि सोलह सोलह साल से पेशेंट परेशान है बीस बीस साल से छः छः महीने सा सात महीने में, साथ -साथ में वो रिकवर हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं था कि आयुर्वेद में इसका इलाज है क्योंकि लैक ऑफ अवेयरनेस या होम रेमेडीज पे इतना अच्छा काम करती है ये भी नहीं पता नहीं। था फिर लोगों को ये नहीं पता होता कि डिस्चार्ज कैसा होता है अब जैसे एग्जाम्पल कुछ बच्चियां हैं जिनको पीरियड से पहले डिस्चार्ज होता है जैसे चार पाँच दिन पहले हो गया चार पाँच दिन बाद में रहा वो वाइट डिस्चार्ज नहीं है वो नॉर्मल है किसी किसी में पित्त ज़्यादा डोमिनेटिंग बॉडी होती है तो वहाँ पे वो डिस्चार्ज नॉर्मल होता है लेकिन अगर आपको पूरा महीना रह रहा है तो वो डिस्चार्ज है क्योंकि देखो अब जितनी भी लेडीज देख रही हैं आपकी बच्चियां हैं अब क्या हो गया ग्यारह ग्यारह बारह बारह साल की बच्चियों को डिस्चार्ज स्टार्ट हो गया वहां पे क्या होता है किसी को जैसे दूध की तरह डिस्चार्ज हो रहा है बिल्कुल वाटरी किसी को जैसे दही फट जाता है ना वैसा डिस्चार्ज है पर पीले रंग में हो गया किसी को ऐसा लगता है जैसे ग्लू होती है ना बिल्कुल स्टिक पूरे बॉल्स बन के निकल रही है ठीक है किसी का डिस्चार्ज ऐसा जैसे बिल्कुल पनीर फटा होता है अब सोचते हैं कि खाने के आइटम से हम कंपेयर करते हैं बट आइडली ऐसी कंडीशन है वहां पे फिर क्या होता है कि जो वो डिस्चार्ज हुआ बिल्कुल ग्लू की तरह अगर आप ऐसे उसको खींचोगे वो इतना स्टिकी डिस्चार्ज है और इसका इतना बढ़ने का कारण क्या है कि बच्चे बोल ही नहीं पाते ठीक है।, है तो वहां पे मुझे लगता है कि पेरेंट्स को ना उनको काउंसलिंग देनी चाहिए कि बेटा अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो तू हमें बता क्योंकि एक बीमारी है ठीक है सालों निकल जाते हैं महीनों निकल जाते हैं फिर क्या होता है पीले में डिस्चार्ज होने लग जाता है बिल्कुल पीला स्मेल खुजली मतलब लिटरली ऐसे फेमल्स हैं ना जिन्होंने वेजाइना में इचिंग कर करके ना सारी लेयर डैमेज कर दी है इतनी खुजली होती है वो बोल ही नहीं पाती किसी को फिर वहां पे क्या करे फिर उसके बाद क्या होता है डिस्चार्ज अपना और पैटर्न चेंज करता है वो ग्रीनिश कलर में पि इतना डोमिनेट होता है ग्रीन कलर का डिस्चार्ज आता है फिर लास्ट में बिल्कुल व्हाइट डिस्चार्ज में क्लॉट्स आना शुरू हो जाता है रेड आ रहा है ब्राउन कलर का गद्दा खून आना शुरू हो जाता है साथ में ब्लैकिश डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाता है इतनी तरह के होती है और जो मैंने कंडीशन बताई ना यू कैन ईजिली कंपेयर अपने साथ आप कर सकते हो फिर इसमें क्या होता है मंजू इचिंग हुई दवाई खाई ट्यूब्स लगाई लगा लगा के लगा लगा के स्किन इतनी सेंसिटिव हो जाती है कि एक टाइम पे दवाई पे दवाई असर करना बंद कर देती है ठीक है यहाँ पे ना परहेज सबसे इंपॉर्टेंट है और तीन चीजों का तो मतलब भी हमारी और मैटर करता है कम दो तीन महीने बिल्कुल क्योंकि कैल्शियम इतना डिपोजिट है इन्फेक्शन को और ज्यादा बढ़ाएगा इन्फ्लामेटरी चेंजेस और क्या होता है जब आप मॉडर्न कॉन्सेप्ट से मेडिसिन लेते हो तो वो आपको बोलते हैं कि ये तो वेलाये हैं बैक्टीरिया आप और लो कर तो ये चीज विपरीत है ठीक है क्योंकि वहां पे बोला जाता है कि लाइव बैक्टीरिया है वो तो और अच्छा काम करेंगे बट ऐसा नहीं है आप वहां पे अवॉइड करके देखो तो आपके ये सिम्टम कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाएंगे फिर इस कंडीशन के जो भयंकर साइड इफेक्ट्स आपकी बॉडी पे आते हैं मैं क्यों साइड इफेक्ट बोल रही आपको समझ आएगा जितना लंबा डिस्चार्ज उतनी भयंकर कमर में दर्द फीमेल उठ नहीं पाती वीकनेस थाईज ऐसे लगती है कि बिल्कुल निचुड़ चुकी है ऐसे निचोड़ दिए ठीक है और जब आपके साल बढ़ना शुरू हो जाते हैं ना तो आपकी आंखें उतनी धसना शुरू हो जाती है जितनी अंदर आंखें उतने साल बताएंगे कि कितना लंबा वाइट डिस्चार्ज है कई पेशेंट आते हैं ना वो आके बैठते हैं अभी तो वो मुझे बोलते हैं कि मैम डार्क सर्कल का ट्रीटमेंट लेना है मैं देख के बोलती हूँ कि वाइट डिस्चार्ज इतने टाइम से है वो कहते हैं है, मैम वो भी प्रॉब्लम होती है तो कहने का मतलब लोगों को पता ही नहीं है पता प्रॉब्लम मानते भी नहीं है और मानते नहीं और फिर क्या ये पूरा हिस्सा ना ऊपर से भी पूरा ये ब्लैक होने लग जाता है इतनी इतनी आंखें मतलब आप फिंगर डालो तो धसी होती है मतलब ये कंडीशन आती है तो अब से आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि अगर ये प्रॉब्लम होना तो ये प्रॉब्लम है वाकई में ये सिम्टम्स देख रहे हैं ना तो ये वाकई में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ठीक है इसके बाद आता है कि सर्विक्स कैंसर अभी पीछे जैसे एक वो पूनम पांडे का बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था hmm. तो कि उसकी डेथ होगी सर्वाइकल कैंसर hmm. से है ना सर्विक्स कैंसर हो गया कैंसर हो गया वैक्सीनेशन का एकदम से वो होने लगा तो ऑल ऑफ द सडन उसके बाद मेरी कंटिन्यू ओपीडी थी तो जितनी लड़कियां आएँ ऑल ऑफ द सडन ऐसे विजिट फास्ट हुआ हम वो इंजेक्शन लगा ले लगा ले मैंने कहा क्यों मतलब तो मतलब ऐसा नहीं है कैंसर एकदम वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन होती है और बहुत अलग पैटर्न होते हैं तो ऐसे नहीं है कि कैंसर किसी को भी हो जाएगा ठीक है डाइट अच्छी करनी है हाइजीन मेंटेन करना है और सबसे बेस्ट यहाँ पे मैं आपको दो रेमेडीज बताऊंगी आप ट्राई करो सबसे पहले इलायची हरी इलायची डेली सुबह उठ के खाली पेट आपको दो इलायची चबाकर खानी है बीज के साथ और ऊपर से आप पानी पी लो ठीक है ये आपकी बॉडी में जितनी भी इन्फेक्शन है वाइट उसको बहुत अच्छा कंट्रोल करता है और इंस्टेंट रिजल्ट है विद इन वीक आपको इफेक्ट दिखता है दूसरा विजाइना में जितने भी लाइव बैक्टीरिया हैं जो ठीक होने के बाद दोबारा इन्फेक्शन कर रहे हैं ठीक है अब वहां पे उसको आपको मेंटेन करना है किसको पीएच को पी अब क्या करते हैं कि हम वी वॉश लगा रहे हैं अलग अलग तरह के वो पीएच को खराब करते हैं तो वो बार बार वॉश करना भी गलत है ठीक है वो भी एक कारण है इन्फेक्शन का तो वहाँ पे हमें ना घर पे एक सिंपल क्या करना है पोटासम फिटकरी ये लेनी है अब क्या करना है फिटकड़ी ले ली एक लोहे की कढ़ाई ली उसमें उसका चूरा डाल दिया पाउडर बना के और उसको आप भूनो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो फूलती नहीं है ऐसा नहीं है कम से कम आधा एक घंटा लगता है उसको भूनते रहो, भूनते रहो भूनते रहो भूनते रहो वो फूल जाएगी फूल के वो एकदम पाउडर बन जाता है जम जाती है वो पानी बनती है और वो जम गई उसके बाद उसे ठंडा होने दो और उसको ग्राइंड कर लो बिल्कुल फाइन पाउडर बन जाएगा डेली आपको दिन में नहाते टाइम सोने से पहले क्या करना है आधा गिलास या आधा मग आप गर्म पानी लो उसमें आप फिटकरी पाउडर आधा चम्मच डाल दो और कॉटन से लेके उस गर्म पानी से वेजाइना के अंदर सिकाई करो कम से कम पाँच मिनट जितना अंदर तक आप इंसर्ट कर सकते हो हैंड को ठीक है जब आप उसे रेगुलर सिकाई करोगे तो अंदर की जो स्किन सेंसिटिव हो गई है दैट जो वहां पे प्रोड्यूस कर है वो धीरे धीरे करके कम होना स्टार्ट स्टार्ट हो हो जाता है है और बॉडी सेटल होना स्टार्ट हो जाती है। तो मैं ये दिन में दो बार दो बार बार करना सुबह शाम करो आप जी। और जरूरी नहीं है मतलब जब टाइम मिले कोई ऑफिस जाता है यार किसी के पास टाइम नहीं कुछ भी एटलीस्ट दो बार आप करो पानी जितना गर्म आप टॉलरेट कर सकते हो आप उतना उसको कर सकते हो ले सकते हो मैम इसमें आपने दूध दही और छाछ बताया था

डेयरी प्रोडक्ट्स आइडियली दूध से कोई चीज़ें जैसे पनीर आप वन से वाइल लेते हो लेकिन लोगों को दूध की आदत रोज होती है गिलास भर के पी लिया तो इट मीन्स कि वो आपको डायरेक्टली वो नहीं करना है कंज्यूम दही के बने प्रोडक्ट्स तो नहीं लेने हैं उसके ऐस सच कोई प्रोडक्ट ही नहीं आते इतने छाछ के भी नहीं आते दूध के होते हैं कभी कभार मिठाई लेने का मैंने ले लो पनीर लेने का मैंने ले लो मतलब बहुत प्रैक्टिकली ठीक है और ये नहीं कुछ लोग बोलते हैं खटास नहीं खानी खट्टा यार जनरली कोई भी इतना नहीं खाता है कभी कभार कोई लेता है तो उतना आप चल सकता है कोई दिक्कत नहीं है अब यहाँ पे ना जब आप इलायची लेना शुरू करोगे ये करोगे तो आपके सिम्टम कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाएंगे अब क्या करना है हमें वहाँ से उसको रिवर्स पे डालना है देखो कंडीशन सिवियर है तो यू नीड प्रॉपर ट्रीटमेंट फॉर दैट मेडिसिन लेनी ही पड़ेगी कहीं भी स्टार्ट करो आप आयुर्वेदा करो तो अब यहाँ पे क्या करेंगे एक रेमेडी बहुत अच्छा काम करती है फिर से आई तुलसी ठीक hmm. है तुलसी के जो पत्ते हैं आपको क्या करना है पाँच दस पत्ते लो उसका पेस्ट बनाओ hmm. उसमें आपको आधा चम्मच शहद डालना है और उसको मिक्स कर लेना है फिर रात को डेली उसको गर्म पानी के साथ आधे कप के साथ लेके सो जाओ इतना बढ़िया काम करती है इतना बढ़िया काम करती है कि आपको लगेगा यार जो इतने टाइम से मेरे को एंटीबायोटिक ने काम नहीं किया वो उसने कर दिया क्योंकि एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ है वो सारा आपकी बॉडी में वात पित्त कफ को बैलेंस करती है और जो चीज़ डोमिनेंट है ठीक है वहीं से वो उसको रिवर्स पे डाल देती है हाँ। तो ये इतना अच्छा वर्क करती है ये रेमेडी तो जब आप ये रेमेडीज स्टार्ट करोगे आपको इतनी इम्प्रूवमेंट आएगी ना आपको कॉन्फिडेंस आएगा और प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना है पैड यूज़ करो ठीक है कोई ज़रूरी नहीं है महंगा सस्ता यूज़ करो बीस तीस रुपए का भी पैकेट आता है आप उसको यूज़ करो कपड़े का इस्तेमाल मत करो अपनी पैंटी को वेयर को टाइम टू टाइम चेंज करो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो भी करते हो आप कॉटन का यूज़ करो अगर कर रहे हो तो होजरी यूज़ मत करो लाइक्रा आप यूज़ कर सकते हो तो मतलब ये भी अंतर होता है मेरे को ऐसा लगता है कि दिक्कत करता है वी वॉश नहीं करने फिर आजकल कर लड़कियों में ट्रेंड आ गया है वो स्प्रे करने का पी वॉश ये पता नहीं क्या अलग अलग सी चीज़ें आई हैं मैंने अभी देखा था रिसेंटली वो यूज़ नहीं करना और सबसे कॉमन नैचुरल कप बिल्कुल यूज़ नहीं करना आप सोचो कि पीरियड्स मतलब आपके शरीर की गंदगी निकाल रहा है पैड भर गया आपने फेंक दिया सेम मैंसुरल कप को आप उन्हीं हाथों से टच करे हो जिसको आप सारा दिन कहीं छो रहे हो पूरा दिन भर गया शाम को उसको धो के री यूज़ उस करे हो, उसे गंदगी के साथ इतनी सीवियर इन्फेक्शन होती है बहुत लोगों ने मुझे बहुत बार बोला है मैंसुरल कप पे मैंने कभी बात नहीं की पर मैं क्लियर बता रही हूँ सबसे ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हैं उसके तो मैंसुरल कप बिल्कुल यूज़ नहीं करना है ठीक है तो ये छोटे छोटे प्रिकॉशंस फॉलो करो और अपना फीडबैक आप ज़रूर शेयर करो इग्नोर नहीं करना ये चीज़ें लेटर ऑन प्रेगनेंसी में भी कॉम्प्लिकेशन करती हैं क्योंकि जब आप फिजिकली इंटीमेट होते हो आपके पार्टनर को इन्फेक्शन होने के उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं ठीक है ठीके? लुब्रिकेशन नहीं होगी प्रॉपरली जब वो सीमन भी रिलीज होता है प्रेगनेंसी में मतलब कंसीविंग में भी इश्यू क्रिएट करती हैं ये चीज़ तो मतलब मैंसुरल कप तक वाइट डिस्चार्ज का कारण बन सकते हैं हाँ बिल्कुल है वजाइनल इन्फेक्शन का भी बिल्कुल है मैम

मतलब वो एक डिफरेंट पैटर्न है पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी को किसी चीज़ का नॉलेज दे रही हूँ ना तो बहुत प्रैक्टिकली क्योंकि देखो मुझे उस चीज़ का बेनिफिट नहीं है लेकिन मुझे ये चीज लगती है कि अगर मैं किसी को सच बताऊंगी और मेरे उस बताने से दस लोगों ने भी अपने अंदर बदलाव किया ना तो मेरा बताने का जो मोटिव था ना वो पूरा हो गया मैं कप आप अच्छा एक चीज प्रैक्टिकली सोचो कि वो शरीर की गंदगी है जो खून निकल रहा है hmm. आप पैड भर गया आप उसको फेंकते हो और पैड वाले आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं कि हाइजीन को मेंटेन करने के लिए हर चार से घंटे में पैड चाहे वो भरा है या नहीं भरा है और मेंसुरल कप वाले बोल रहे हैं एक बार आप कप लगा ले। जब तक वो नहीं भरता है चौबीस घंटे बारह घंटे उसको धो के फिर से लगा ले मतलब दो कंपनीज दोनों की एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल नॉर्थ और साउथ पोल हो गया एक तो बोल रहे हैं उसको हाइजीन से फेंको एक बोल रहे हाइजीन को खुद के हाथ से धो धो के उसी को लगाई जाओ बहुत ज्यादा देखो हमारी जो इंडस्ट्री है ना इस टाइम पे मतलब उनको पता है कि लोग उस चीज़ में चल रहे हैं दे आर डूइंग देयर बेस्ट ठीक है जो भी मार्केटिंग है अलग अलग तरह से बट प्रैक्टिकली ये चीज़ें हैं अगर ऐसा कुछ होता ना तो मतलब बहुत सारे लोग उस चीज़ को पॉजिटिवली और डॉक्टर्स यूज करते इवन अब मैं हूँ मैं ही प्रेफर नहीं कर रही हूँ ठीक है तो फिर वो चीज़ तो एक बहुत डिफरेंट लेवल पे है और मैम इसमें एक लास्ट चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे वाइट डिस्चार्ज पहले होता था लेकिन पहले इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी जो आज के टाइम में बढ़ रही है वैसे तो आज के टाइम में हर बीमारी बढ़ती, बढ़ती जा रही है क्योंकि लाइफ स्टाइल खराब है लेकिन ये जो वाई डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है क्यों आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रही है और उस एज में उस छोटी छोटी एज, एज में ग्यारह ग्यारह साल जिस एज में किसी ने सोचा भी नहीं था कि डिस्चार्ज भी होगा डिस्चार्ज भी होगा उस दस साल की एज में पता है बता एक तो मुझे लगता है ना बीमारी बढ़ रही है आधा वहम भी है Hmm. मतलब वाइट डिस्चार्ज को लेके नहीं बहुत सारी बीमारियों को लेके स्ट्रेस इंड्यूज है थोड़ा सा पैनिक अटैक ये वो जो सुने नहीं थे वो चीज़ें हो रही है और दूसरा वाइट डिस्चार्ज जो है अनहाइजीन जैसे ऑफिस में किसी को हुआ सेम पोर्ट लोग यूज कर रहे हैं hmm. फिर उससे बचने के लिए अलग अलग स्प्रे यूज कर रहे वही केमिकल इंड्यूज चीजें हैं ठीक hmm. है क्योंकि देखो आपकी बॉडी है ना भगवान ने जो ऑर्गन्स बनाए हैं हर चीज़ की ऑलरेडी वो चीजें बैलेंस है अब आपकी आईज है सारा दिन दस तरह के ड्रॉप्स यूज करोगे वो भी हार्मफुल है ठीक है सिमिलर वे में आप जितनी भी स्प्रे यूज करोगे प्रोडक्ट यूज करोगे दूसरा एक और कारण बताती हो मतलब बहुत सारे लोगों को सुन के अजीब लगेगा जो भी लोग आजकल फिजिकली इंटीमेट हो रहे हैं तरह तरह के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं टॉयज यूज कर रहे हैं ठीक है प्रेगनेंसी को रोकने के लिए पिल्स यूज करते हैं कि आप फिजिकली इंटीमेट हो एक घंटा पहले पिल इंसर्ट कर दे ये भी फैक्टर है सेक्सुअल पिल्स कॉन्ट्रासेप्टल पिल्स का एक्सेसिव इंटेक एक करना और दूसरा जितनी भी लुब्रिकेंट सब्सटेंस हैं, ठीक है hmm. लुब्रिकेशन के लिए यूज कर रहे हैं वो सारे भी फैक्टर्स हैं बहुत सारी फीमेल्स में आप देखना कि ये भी कारण है जो वो कभी बोल ही नहीं पाती, हम तो खैर डॉक्टर है तो मिलते हैं वी हैव टू कीप द थिंग्स वेरी कॉन्फिडेंशियल कि पेशेंट की हिस्ट्री है बट हमें पता है कि ये चीज़ें हैं अगर आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा यूटियाई इन्फेक्शन रहता है मेल पार्टनर को दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर कि वो बार बार फिजिकली इंटीमेट हो रहे हैं ठीक है तो वहाँ पे भी वो रिस्पांसिबल रिस्पॉन्सिबल है तो मैं हमेशा बोलती हूँ अगर ऐसा कुछ है आपको बहुत सारी प्रोटेक्शंस बताई गई हैं और उसमें भी मैं हमेशा प्रैक्टिकली बोलती हूँ बहुत ज़्यादा तरह तरह के आपको प्रोडक्ट्स मिल जाए पर आज तक गवर्नमेंट से भी या प्रैक्टिकल भी कॉन्डम्स का इस्तेमाल ही सबसे बेस्ट रहता है इसके अलावा जितने भी मार्केट में प्रोडक्ट्स आ रहे हैं सब चीजें बकवास हैं बेकार है सो डोंट ठीक है ट्रस्ट डोंट यूज एंड डोंट एडवाइस टू अदर पीपल की यूज करें वो सबसे सेफ रहता है और सबसे बेस्ट रहता है मतलब आपके पाँच से दस मिनट के प्लेजर के लिए आप अपने आगे की लाइफ को स्पॉइल पॉइल कर, कर सकते हो बिल्कुल कर, तो मैम इसमें एक लास्ट चीज की जो अब आजकल ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है अब उसके लिए लोग पब्लिक टॉयलेट्स यूज़ कर रहे हैं लेकिन आजकल मोस्टली जगह से इंडियन टॉयलेट्स हट चुके हैं और वेस्टर्न शीट्स आ रही है और कमोड वाले आ रहे हैं तो पब्लिक टॉयलेट की हालत कैसी होती है वो सब जानते हैं वही तो कारण है ना तो वो भी, भी, भी बहुत बड़ा कारण बहुत है क्योंकि देखो और पता क्या है जैसे किसी ने यूज किया कोई वहाँ पे पानी फेंक रहा है कोई नहीं फेंक रहा है कोई पूरा गंदा है वो तो फैक्टर है और उस चीज का तो मेरे को भी बहुत साइकोलॉजिकल है मतलब मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं पूरा मतलब क्लीन करके टिश्यू से उसको एक बार वॉश करके फिर मैं यूज करती हूँ मतलब वो फैक्टर है और उस चीज को आप जितना अवॉइड करोगे उतना बढ़िया है तो मैम आपका धन्यवाद की तो आपने वाइट डिस्चार्ज जैसे प्रॉब्लम के बारे में हमें ओपनली बताया क्योंकि जिस तरीके से बताया ओपनली लोग वैसे तो बात ही नहीं करते और एक मेन बात यह भी है कि फीमेल से फीमेल डिस्कस कर लेती है लेकिन आपने मेरे साथ बैठ के इस बात को तो कैमरे पे डिस्कस किया तो लोगों के लिए ये भी एक चैलेंजिंग है क्योंकि देखो हिमांशु मुझे पता क्या लगता है देखो हमारा प्रोफेशन मेरे लिए वो चीज मांगनी नहीं है अगर सोचिए कि हम बैठ रहे हैं हम इतनी देर वीडियो बना रहे हैं हम लोगों को उस चीज के बारे में बता रहे हैं अगर मैं खुद ही नहीं बोल पाऊंगी कोई मेरे पास आके कैसे बोलेगा आज जितना खुल के मैंने बोला ना ऐसा दही है दूध है फटा है स्मेल है ग्लू है खुजली है मैंने बोला ना तो अब जो मेरे पास आके बोलेगा ना वो भी इतना खुल के हाँ। बोल पाएगा नहीं तो लोगों को आते को तो ये पता ही नहीं होता कि प्रॉब्लम है और मुझे इस चीज में कभी भी हेजिटेशन नहीं है कि मैं इनसे बात कर रही हूँ क्योंकि मेरे बताने से इनको पता चला ठीक है अब ये आगे दस लोगों को उस चीज़ के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करेंगे तो ऐसे कितने लोगों की जिंदगी उस चीज से बच सकती है मेन हमारा टारगेट ही क्या है कि आयुर्वेद को उस लेवल पे लेके जाना ठीक है बिना किसी को क्रिटिसाइज किए क्योंकि हर चीज़ का अपना फायदा है हर चीज़ का अपना नुकसान है रेमिडीज करो फॉलो करो और जिनको सालों से है आप बेफिक्र होके आयुर्वेदा को फॉलो करो आप हमसे कांटेक्ट करो जहाँ कंफर्टेबल लगे बस एट द एंड व्हाट वी नीड कि आप ठीक हो जाओ तो उम्मीद करते हैं है मैम आपकी ये सारी बातें सुनने के बाद वो हर उम्र का इंसान इंस्पायर भी होगा और अवेयर भी होगा जिसको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है या जिसने कभी इस प्रॉब्लम के बारे में सुना है और उम्मीद करते हैं खुल के बात भी करेंगे अपने घर पे अपने नोन से या फिर अपने डॉक्टर से ताकि उनको प्रॉपर सॉल्यूशन मिल, मिल पाए तो उम्मीद करते हैं जो भी मैम ने आपने को बताया है उस सबको अप्लाई करके आप अपनी इस इलनेस का सॉल्यूशन भी पाएंगे और इस इलनेस को दूर भी करेंगे वैसे तो जैसे मैम ने कहा कि आप किसी भी डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराने के लिए फ्री हैं लेकिन फिर भी मैं कहूँगा अगर आप मैम से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो मैम की कांटेक्ट डिटेल्स नीचे डेस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगी जहाँ से आप मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं चाहे आप महिला हो चाहे पुरुष हो कोई भी आपको बीमारी हो आप उस बीमारी का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी चाहते हैं और ऐसा ट्रीटमेंट चाहते हैं जहां आपको लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट ना हो तो भी आप उस बीमारी के ट्रीटमेंट की इंफॉर्मेशन के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं तो वो भी मैं कोशिश करूंगा मैम के माध्यम से आप तक पूरी इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए ताकि आप अपनी बीमारी को तो दूर करें ही करें साथ ही आयुर्वेद के बारे में एक जेनविन इंफॉर्मेशन डिटेल से जान पाए